आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। खबर देहरादून से। कसीगा स्कूल का क्रिकेट प्रेम किसी से छुपा हुआ नहीं है। जब भी देहरादून में अच्छी क्रिकेटिंग सुविधा प्रदान की बात होती है तो कसीगा स्कूल और रमेश बत्ता का नाम जेहन में आता है। देश के नामी स्कूलों में सुमार कसीगा स्कूल इस वर्ष भी ऑल इंडिया पीसी बत्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करने जा रहा है। कसीगा के चेयरमैन रमेश बत्ता का क्रिकेट प्रेमी किसी से छुपा हुआ नहीं है। वह खुद भी अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं। शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, कसीगा स्कूल का हमेशा से प्रयास रहा है कि देश को अच्छे क्रिकेटर दे सकें और खिलाड़ियों को अच्छी क्रिकेटिंग सुविधा प्रदान कर सकें। उन्होंने कहा कि कसीगा स्कूल 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 6th अखिल भारतीय पीसी भत्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें देश भर के 16 स्कूल प्रतिभा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि कसीगा स्कूल के पास अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मानकों वाला मैदान है। BCCI से मान्यता प्राप्त इस ओवल ग्राउंड में विजय हजारे और रणजी के मुकाबले होते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार टूर्नामेंट में प्रतिभा करने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली राज्यों की 16 टीमें प्रतिभा कर रहे हैं। उद्घाटन मैच कसीगा स्कूल के मैदान में द एशियन स्कूल और वेलम बॉयज स्कूल देहरादून के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट में प्रतिभा करने के लिए देश के नामी स्कूल आएंगे, जिनमें ग्वालियर का सिंधिया स्कूल समेत मसूरी का वुडस्टॉक स्कूल भी शामिल होंगे। एंट्रेंस मामूली रखी है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हम अगर कसीगा स्कूल को इस टूर्नामेंट को खर्च करने के लिए 100 रुपये खर्च हो रहे हैं, हम मुश्किल से 5 रुपये टूर्नामेंट के मिनिमम फीस ले रहे हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि हाँ इन्होंने एप्लीकेशन भर के कंफर्म किया है और टोकन मनी दी है, तो उससे ये बात की निश्चय हो जाती है कि वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। इस उद्देश्य से सिर्फ टोकन मनी, इंडिविजुअल प्राइजेज होते हैं, बेस्ट बैट्समैन को पूरी किट होती है, इंक्लूडिंग जो भी एक 35-40 हज़ार की बैटमैन की किट होती है, विकेट कीपर को उसके अनुकूल एक उसका इनाम दिया जाता है, बॉलर को उसी हिसाब से इनाम दिया जाता है, और इसी हिसाब से हर मैच के बाद मैच मैन ऑफ द प्लेयर को भी इनाम मिलता है हर मैच के बाद। सर, आपके सवाल का ये है कि ये टूर्नामेंट, मैं भी जिंदा ना रहूँ उसके बाद सदियों चलता रहेगा, और जहाँ तक सवाल टीमों का सवाल है, हमारी कोशिश ये होती है कि 16 टीम है, 8 टीम हम उत्तराखंड से लें, 8 टीम हम उत्तराखंड से बाहर से लें। पिछले साल टूर्नामेंट ये हमारा फिफ्थ था, इस बार फिफ्थ था, पिछले साल हमारा टूर्नामेंट फिफ्थ था, इस साल हमारा सिक्स टूर्नामेंट है। ये आगे बस दस्तूर इन्हीं डेट में रहेगा, कोई डेट चेंज नहीं होगी। 15 हमारा अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ये टूर्नामेंट हमेशा अब भी चल रहा है और आगे भी चलता रहे, और हम चाहते हैं अच्छी टीम, बच्चों का क्रिकेट में कॉम्पिटिशन से गेम में सुधार हो, एक लगन आए और उभर के निकले, ये हमारी सोच है कि इस टूर्नामेंट को चलाने के लिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, फादर के मेमोरी में किया है, और मैं चाहता हूँ उनका नाम हमेशा गूंजता रहे और बच्चों को निखारता रहे, और कसीगा स्कूल में ये टूर्नामेंट हो रहा है, कसीगा का नाम भी उभरता रहे, ये मेरी सोच। उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, उनका स्टे विधि पूर्वक स्कूल में ही होता है, उनको कोई खर्च करना नहीं होता।